माफ़ करिएगा, हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें कर डाली थी, लेकिन अब और नहीं, ले चलते हैं आपको अगले जश्न में। रिवाजों की फुलझड़ियां जल रही हैं। वो कहते हैं ना, शादी दो परिवारों की होती है और यहां सबका अपना अपना स्टाइल था इसे सेलिब्रेट करने का। इनका ही देखिए। बड़ी बहादुरी के साथ सूरज ने भी अगली सुबह करवट ली, वो भी इस ठंड के मौसम में। गुनगुनी धूप कानपुर शहर के कोने कोने में बसने लगी थी। आइए अंतिमा के घर का भी जायजा लेते हैं। माहौरी रंग उसी तरह पैरों से लिपट रहा था,
अब जल चढ़ाओ आप चार चार बार। सुनहरे चावल फिर से उसी मटकी में जा रहे थे। मिट्टी के घड़े उसी तरह से सजे थे। खुशियों की थाल सज रही थी। उड़द की दाल उसी तरह अपना रंग बदल रही थी। दादी मां के दिए फिर से जल उठे थे। जैसे लड्डू भर गए हों। इन्हीं सब के बीच अंतिमा के हाथों पे सजने वाली थी हिना की खुशबू। हजारों एहसासों की नदियों का उफान होता है उनके अंदर, खासतौर से जब उनकी अपनी चिड़िया घोंसला छोड़ के जाने वाली हो। जिनके हाथों ने थामा बचपन,
अब उंगली वही छुड़ाते थे। वो अब दूर जाने वाला था, दिल का टुकड़ा जिसे बताते थे। Da-d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 a